चलिए, आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो है। इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़नी स्टार्ट की थी। तो हमने कौन सी चीज़ बोली थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें उसका आर जो होता है वो क्या करता है, या तो बेस जैसा काम करता है या फिर न्यूक्लियोफाइल जैसा। और उसका जो काम होता है, उसकी जो प्रायोरिटी होती है, वो क्या होती है, इट इज बेस जैसा काम करना। तो इसमें हमने कौन सी चीज़ देखी थी कि यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिफिशन कार्बन भी है और एक्टिव हाइड्रोजन भी, तो ग्रिग्नार्ड एक्टिव हाइड्रोजन से पहले रिएक्शन करता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, यदि NH2Cl, इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है, उसके बाद भी ग्रिग्नार्ड यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन न करते हुए क्या बनवा देता है, दैट इज अमीन बनवा देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब कभी भी किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, उसमें टिजाइलकेन बनता है। अब आगे की जो रिएक्शन है कौन सी रहेंगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जिनमें ग्रिग्नार्ड का आर जो होता है वो कैसा काम करता है, तो हम बोलेंगे दैट इज एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि किस पर, अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा तो क्या करवाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे क्या बन जाता है, दैट इज अल्केन बन जाता है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब ऑक्सीजन या सल्फर से रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन या सल्फर कहाँ आ जाएंगे, आर और एम जी के बीच में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर ओ एम जी एक्स या आर एस एम जी एक्स, इसका जो अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, आर ओ एच बन जाता है या आर एस एच बन जाएगा, है ना। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब CO2 से रिएक्शन करवाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड का आर सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक शिफ्ट से ओपन नेगेटिव, उस पर एमजी को जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड H3O पॉजिटिव डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज RCOOH बन जाता है। इसके बाद फिर RNG के रिएक्शन के अपन किससे करवाएंगे, दैट इज विद एल्डिहाइड और कीटोन, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्या हो जाएगा, सी पर आर आ जाता है और ओ के ऊपर एमजी आ जाता है, इस पर H3O पॉजिटिव डालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर यदि अपन ने क्या लिया, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, तो इधर बनने वाला अल्कोहल इज 1 डिग्री, यहाँ पे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री हो जाएगा, और यदि यहाँ कीटोन लिया तो बनने वाला अल्कोहल क्या हो जाता है, दैट इज 3 डिग्री। तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन ऑन द सिमिलर रिएक्शन फॉर्म्स व्हाट, दैट 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्शन जो होती है सारे टाइप के अल्कोहल्स को बनाने के लिए यूजफुल होती है। इसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाएंगे, दैट इज विद एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होता है, तो बोलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाकर उसकी जगह हमने Z लगाया है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक होता है, यहाँ से क्या हट जाएगा, Z हट जाता है, और न्यूक्लियोफाइल पर से H, तो HZ, और यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज RC डबल बॉन्ड और उसके ऊपर इट इज NU। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी चीज होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में एसिड क्लोराइड से करवाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड यहाँ सी डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करके Cl को हटा देता है, क्या बन जाएगा, तो कीटोन बन जाता है, इस पर ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन की यील्ड यहाँ पुअर हो जाती है। फिर वहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में अपन फॉर्मेट ईस्टर से करवाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड जिसके रिएक्शन फर्दर ग्रिग्नार्ड से होकर अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री, फिर ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, ईस्टर अदर देन फॉर्मेट ईस्टर, तो क्या बनता है, दैट इज कीटोन, उस पर ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से क्या हो जाएगा, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन अपन अमाइड से करवाएंगे, तो पहले तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाली, तो अल्केन बन जाता है, फिर जो साइड प्रोडक्ट बनता है इस पर ग्रिग्नार्ड से फिर से अटैक से ये कंपाउंड बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दैट इज कीटोन बन जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अमाइड से रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, इट इज अल्केन प्लस कीटोन, है ना। इसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन की हम साइनाइड से करवाते हैं, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का सी ट्रिपल बॉन्ड एन की कार्बन पर अटैक होगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से एन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर कौन सी चीज उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड हो, तो साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से कीटोन बन जाता है, आरसीएन की जगह एचसीएन लेंगे तो इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा, दैट इज एल्डिहाइड बन जाता है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन की हम ऑर्थोफॉर्मेट ईस्टर से करवाते हैं, तो इसमें कौन सी चीज है, ग्रिग्नार्ड का सी पर अटैक करेगा, एक ओईटी यहाँ से हटता है, इससे क्या बन जाएगा, दैट इज एसिटिल, एसिटिल का जो अपन क्या करवाएंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, तो बोलेंगे एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाता है, यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन थी। इसके बाद फिर डायहैलाइड्स हैं, तो कौन से, दिस इज जर्मेनियम डायहैलाइड, क्या होगा, इसमें इट पीसीएल का एसोसिएट टू रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पर करवाएंगे हम, तो कौन सी चीज हो जाएगी इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें यहाँ पर है ना फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलेंगे इसमें है ना फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, जर्मेनियम डायहैलाइड का रिएक्शन पढ़ा था हमने। इसके बाद फिर इस पर ये जो होता है अपने, इट इज अल्काइन, अल्काइन पर HCl का एडिशन करवा देते हैं, किसमें, दैट इज HG2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे HCl का दो बार है ना एडिशन होता है मार्को वानिको रूल के अकॉर्डिंग, इससे भी एक कार्बन पर दो Cl आ जाएंगे, रिएक्शन भी अपना पड़ा हुआ है। फिर विसिन डायहेलाइड की भी हम बात करेंगे, तो विसिन डायहेलाइड में क्या होता है, तो हम बोलेंगे एडिशन कार्बन पर OH OH PCl5SOCl2 से रिएक्शन, क्या काम होता है इनका, रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय Cl, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इट इज विसिन डायहेलाइड। वैसे ही Br2CCl4 के रिएक्शन जो अपन करवाएंगे यहाँ, तो ब्रोमीन के एंटी एडिशन से क्या हो जाएगा, इट इज अगेन दैट विसिनल डायहेलाइड। इनके रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई है मैग्नीशियम से जैसे देखी थी, वही रिएक्शन जिंक के साथ भी होगी, तो क्या बन जाएगा इसमें अल्किन बन जाती है, जनरल डायहेलाइड विसिनल डायहेलाइड जो, इसमें भी क्या हो जाएगा मैग्नीशियम या जिंक के रिएक्शन से अल्किन बन जाएगी ना, क्योंकि ग्रिगनार्ड वाले सेक्शन में देखा था हमने। फिर क्या होता है, जो 1,3 डायहेलाइड होता है इस पर जिंक के रिएक्शन होगी तो साइक्लोप्रोपेन बनता है, इसको हम फ्रेयून रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ देखते हैं कि इन पर जैसे डिहाइड्रो हैलोजनेशन भी करवाएं, तो पड़ा हुआ अपन ने क्या बनता है, ये वेसनेल जेमेनल दोनों डायहेलाइड के डिहाइड्रो हैलोजनेशन से फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ अल्काइन है ना। इसके बाद फिर इन पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, एक के बजाय दो दो बार होंगी, तो सारे रिएक्शंस रहेंगी तो वैसे की वैसे ही, बट क्या रिएक्शन एक के बजाय दो बार करवानी है ना। फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जिनके बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, हम बोलेंगे इट इज विसेनल एंड जेमेनल डायहेलाइड, इनमें हम डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्या लिया अपने जेमेनल डायहेलाइड, इस पर अपन एक्वस की OH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सील हटकर OH आ जाएंगे, पर दोनों OH आएंगे कहाँ, एक ही कार्बन, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, इट इज सी डबल बॉन्ड और दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, वहीं यदि अपन विसिनल डायहेलाइड पर एक्वस की OH के रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ भी दोनों सी एल हट कर क्या लग जाएंगे, दैट इज दो OH लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों OH अलग अलग कार्बन पर है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज ये विसिनल डायोल ही बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जेमेनिल डायहेलाइड पर एक्वस की OH के रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन, वहीं विसिनल डायहेलाइड पर एक्वस की OH के रिएक्शन से क्या बन जाता है, दैट इज विसिनल डायोल, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, इसलिए रिएक्शन में क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉट दैट जेमेनिल डायहेलाइड एंड दैट विसिनल डायहेलाइड। ठीक है, वैसे ही हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि अब आगे की जो रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके ऊपर, दैट इज ओवर जेमेनिल डायहेलाइड एंड ओवर वॉट दैट विसिनल डायहेलाइड, और इनमें फिर से हम क्या करेंगे, इट इज डिस्टिंक्शन कर पाएंगे इस सीरीज ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। तो जैसे KCN से जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, Cl हटकर CnCn लगेगा, यहाँ भी Cl हटकर CnCn, तो यहाँ एक ही कार्बन पर दो साइनाइड आ जाते हैं, यहाँ एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ जाएंगे, दैट इज दो साइनाइड आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे इट इज H3O पॉजिटिव, यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पर दो COOH आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कार्बन पर दो COOH आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं कि इन दोनों को अपन ने हीट किया, तो ये क्या है, इट इज एक कार्बन पर दो COOH है, तो COOH के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, दूसरा COOH ऑल्सो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हम बोलेंगे कौन सी वाली चीज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर यदि क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, तो गर्म करवाने पर क्या हो जाता है, CO2 उड़ जाती है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बाय इवोल्यूशन ऑफ CO2, तो यहाँ पर दोनों एडजेसेंट कार्बन पर COOH है, तो यहाँ पर हीटिंग करने पर लॉस ऑफ वाटर है, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन विसिनल एंड जेमेनिल डायहेलाइड, कि जेमेनिल डायहेलाइड पर ये सीक्वेंस को फॉलो करने पर एंड प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज CO2, और विसिनल डायहेलाइड जो है एंड प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इवोल्यूशन होता है CO2 का, और यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज लॉस ऑफ वाटर, तो उसमें क्या हो जाएगा, इट इज CO2 के एफरवेसेंस निकलते हुए देखेंगे और इसमें नहीं, तो इस बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, इट इज विसिनल एंड जेमेनिल डायहेलाइड, इनमें डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। ठीक है,